हाय एवरीवन, जैसे मैं टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको रंगोली से रिलेटेड जो ट्रिक्स होती हैं उन सारे ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी। और इसके लिए सारी चीज़ें चाहिए हमें। और सबसे पहले जो बैंगल लिया है मैंने प्लास्टिक का, इसको रखूंगी एंड इसके अंदर हम कलर को फिल कर देंगे। और इस तरह से आप कलर को फिल कर उस कलर को आप इसे गोल शेप में ला सकते हो। मतलब इस बैंगल से आप रंगोली बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हो। अगर आपको गोल शेप बनाना नहीं आता है तो आप घड़े की मदद से भी गोल शेप बना सकते हो। जैसे मैं इस घड़े के अंदर कलर को डाल रही हूँ, आप उसी तरह से इसके आसपास बॉर्डर भी बना सकते हैं, इसे गोल गोल कर। जैसे मैं तो इसके अंदर फिल कर रही हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और जो कड़ा है इसके आसपास आप इसमें बॉर्डर भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। और इसके बाद हम यहाँ पर चम्मच ली है जिसमें गट्टे हैं, और इसके ऊपर हम कलर को अप्लाई करेंगे जिससे छोटी छोटी बूंदे आ जाएंगी, तो आप इससे भी रंगोली को बना सकते हैं। और तीसरी चीज़ है हमारे फ्रॉक, हम इससे भी बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कलर को ऐसे रख दूंगी, यहाँ पर हमें थोड़ा ज़्यादा कलर चाहिए होगा, थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर मैं तीन शेड का कलर यूज़ करूँगी, आप चाहें तो इसमें सिर्फ वाइट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई सा भी एक कलर, बट आप इसमें ऐसे शेडेड कलर से भी इस डिज़ाइन को करेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि मैं अपनी वीडियोस जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। और यहाँ पर मैंने लिया है ईयरबड्स एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा वाइट कलर लूँगी। देखिए ये जो ईयरबड्स है हमारी, इसको मैं इसके अंदर ऐसे घुमा दूँगी तो ऐसे राउंड राउंड बन जाएगा, और इसके अंदर भी हम कलर कर सकते हैं। तो हम इससे इसकी मदद से हम हमारी रंगोली को बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, बहुत ही कलरफुल बना सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी है, तो उसे क्लिक कर कर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम हमारे रंगोली पे डेकोरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं सिखाऊंगी आपको एक और ट्रिक जो ईयरबड से रिलेटेड है। और यहाँ पर मैं चार ऐसे डॉट्स रखूंगी, और इसको हम इस तरह से ऐसे पत्ती शेप में ले आएंगे, एंड उधर साइड भी मैं दो डॉट्स और रख दूंगी। और इसके बाद में दिया डेकोरेशन की भी वीडियोस एंड जो दिवाली पे हम डेकोरेट करते हैं हमारे घर को, उससे रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करूँगी, तो वो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड बटन है उसे क्लिक करना होगा एंड प्रेस करना होगा बेल आइकन को, ताकि मैं अपनी वीडियोस जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। एंड देखिए यहाँ पर मैंने पत्ती बना दी है, इसके अंदर हम ग्रीन कलर को फिल कर देंगे। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी ट्रिक्स कैसी लगी है और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।